Continue with the chapter journal. In this video, we are going to discuss a new topic under journal, that is goods lost in accident, fire or flood. मतलब किसी भी रीज़न के कारण अगर कंपनी को उसकी गुड्स में लॉस हो जाता है तो उसको हम जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे. जैसे कि हम सबको ही पता है कि कंपनी में कोई ना कोई रिस्क तो ज़रूर होता है, तो रिस्क को हम कवर करने के लिए इंश्योरेंस करवा लेते हैं. कई बार कंपनी इंश्योरेंस करवाती है, कई बार नहीं भी करवाती, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. तो आज हम केसेस सीखेंगे कि अगर इंश्योरेंस करवाई है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अगर इंश्योरेंस नहीं करवाई तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे. सो इस टॉपिक के अंडर बेसिकली हमारे पास तीन केसेस हैं. द वेरी फर्स्ट केस इज व्हेन गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड. गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड का मतलब है कि कंपनी ने अपने गुड्स की इंश्योरेंस नहीं करवाई. जब कंपनी ने अपने गुड्स की इंश्योरेंस नहीं करवाई और कंपनी के गुड्स में लॉस हो गया एक्सीडेंट के कारण या फायर के कारण या लॉस के कारण, तो वो जो लॉस है वो प्योरली कंपनी को खुद फेस करना पड़ेगा. वो पूरा लॉस कंपनी खुद बियर करेगी. तो उस केस में हम ट्रांजैक्शन कैसे डालते हैं, लॉस बाय जौन सा भी आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन होगा, एक्सीडेंट, फायर या फ्लड, लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट. अगर एक्सीडेंट गिवन है तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट. कुछ भी आपको लॉस गिवन है तो उसके ऊपर नॉमिनल का रूल लगता है, उसको हम डेबिट कर लेते हैं. अब लॉस किसका और है, गुड्स का. गुड्स के केस में हम सिर्फ दो टर्म्स पढ़ते हैं, परचेजेस या सेल्स. सेल्स तो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने गुड्स बेची नहीं है, उसका लॉस हुआ है. सो कौन सी गुड्स का लॉस हुआ जो कंपनी ने खरीद के रखी थी, उसको हम स्टॉक काउंट करते हैं. कंपनी का एसेट होता है, जब एसेट कम होता है तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली इसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं. सो एंट्री बन जाएगी लॉस बाय जौन सा भी आपको मेंशन्ड है, अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और जितनी अमाउंट है वो हम पूरी पूरी लिख देंगे. मूविंग टू नेक्स्ट आर सेकेंड केसेस, व्हेन गुड्स आर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम पार्शली. सेकेंड केस में है कि गुड्स की हमने इंश्योरेंस करवाई है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम मान भी लिया है, बट पार्शली. पार्शली का मतलब होता है कि पूरा क्लेम नहीं माना, थोड़ा क्लेम उसने एक्सेप्ट किया है. फॉर एग्जांपल, जैसे 10,000 की गुड्स जो है उसका हमारा नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम माना, एक्सेप्ट किया, बट ओनली ऑफ रुपीज 8,000. लॉस कितना हुआ था, 10,000 का, बट इंश्योरेंस कंपनी ने कितना लिया, 8,000 का. तो बीच में जो 2,000 था वो क्या होगा, अब वो लॉस कंपनी को बियर करना पड़ेगा. सो हम कैसे लिखेंगे, अब इंश्योरेंस कंपनी ने वो एक्सेप्ट कर लिया है, सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, फ्लड, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. परचेजेस क्रेडिट इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी एसेट कम हो रही है. जब एसेट कम होती है तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. लॉस बाय फायर, लॉस के ऊपर नॉमिनल का रूल लगता है, जितने भी लॉसेज होते हैं वो डेबिट होते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज. इंश्योरेंस कंपनी हमारे अब उस लॉस को गुड बनाने लगी है, सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. जैसे हमने एग्जाम्पल ली, 10,000 का हमारा लॉस हुआ तो उसको हमने परचेजेस के आगे लिख लिया क्योंकि अल्टीमेटली 10,000 का हमारा लॉस हुआ. इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है रुपीज 8,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी के सामने 8,000 लिख लिया और बाकी जो 2,000 का लॉस है वो कंपनी को खुद बियर करना पड़ेगा, सो कंपनी ने लॉस के आगे लिख लिया. डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट. एंड लास्ट केस इज व्हेन गुड्स आर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फुली. अब कंपनी ने अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवाई थी और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया फुली. अब इंश्योरेंस कंपनी का क्या काम होता है, इंश्योरेंस कंपनी का मेन मकसद होता है टू मेक द लॉस गुड, किसी के लॉस को गुड बनाना. तो जब कंपनी ने हमारा पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो हमारे लिए लॉस नहीं रहेगा क्योंकि उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देने के लिए रेडी हो गई है. सो अब वो लॉस किस में ट्रांसफर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है. गुड्स तो हमारी चले जाएंगी, गुड्स तो चलो गई क्योंकि उसको किसी भी रीजन के कारण लॉस हुआ, वो तो क्रेडिट होएगा क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमारी गुड्स, हमारा स्टॉक कम हो गया है. अब वो हमें यहाँ डेबिट में लॉस क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि पूरे का पूरा लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने
एक्सेप्ट कर लिया है। अब इंश्योरेंस कंपनी हमें अमाउंट पे कर देगी और वो हमारा लॉस है वो गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 10,000 का लॉस हुआ है, सो डेबिट में भी लिख देंगे 10,000, क्रेडिट में भी लिख देंगे 10,000। सो ये तीन केसेस हैं रिलेटेड टू गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, फायर, फ्लड या कोई भी आपको और कोई इवेंट दी होगी। सो जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको तीनों केसेस में से पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी का केस आपको क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19 रिलेटेड टू टॉपिक गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, फायर और फ्लड। क्वेश्चन इज जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। 2020 ईयर इज गिवन, 1st January। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹25,000। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं फायर के कारण ₹25,000, और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन। तो मतलब कंपनी ने अपने गुड्स की इंश्योरेंस नहीं करवाई और फायर के कारण जो गुड्स है उसमें लॉस आ गया। तो ये फर्स्ट केस बन रहा है जो हमें अभी डिस्कस किया। तो इसको कैसे जर्नल एंट्री डालेंगे, 2020 ईयर लिख लिया, 1st January की ट्रांजेक्शन है, 1st January लिख लिया, गुड्स लॉस बाय फायर। अब आपको फायर गिवन है कि लॉस किसकी वजह से हुआ है, फायर की वजह से। सो लॉस के ऊपर नॉमिनल का रूल लगता है और सारे लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस क्यों लिखा, क्योंकि कौन सी गुड्स हमने कंपनी में परचेज करके रखी थी, फायर के कारण उस गुड्स का लॉस हो गया। और जब गुड्स का लॉस होता है तो हमारी एसेट कम हो जाती है, क्योंकि गुड्स आर पार्ट ऑफ स्टॉक। जब एसेट कम होती है तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अमाउंट लिख ले एक बारी डेबिट में 25,000, एक बारी क्रेडिट में 25,000। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज 5th January, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹45,000। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 36,000 कि 5th January को गुड्स का लॉस हो गया फायर के कारण 45,000 का। एक्चुअल में हमारी कितनी गुड्स फायर के कारण डिस्ट्रॉय होगी, 45,000। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹36,000, बट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना माना, सिर्फ 36,000 का। एक्चुअल में लॉस हुआ 45 का, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 36 का, कम एक्सेप्ट किया है। सो बीच में जो डिफरेंस है 9,000 का, अब वो लॉस किसका हो जाएगा, वो लॉस जो है कंपनी को बियर करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी आपको 36 दे देगी, बीच में 9,000 जो बचा वो कंपनी खुद बियर करेगी और गुड्स हमारी लॉस होगी 45,000 की। अब इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया 36,000 का, तो कैसे नोट करेंगे, 5th January इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब जो ये लॉस है उसको हम डेबिट इसलिए लिख रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी का नाम, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी ने इस लॉस को गुड बना देना है, बाकी जो रिमेनिंग लॉस है वो कंपनी को खुद बियर करना पड़ेगा। नॉमिनल का रूल लगा, लॉस को डेबिट कर दिया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स तो हमारी चली गई फायर के कारण उसका लॉस हो गया, सो क्रेडिट में लिखेंगे स्टॉक जब कम होता है। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी पार्शली एडमिटेड। पार्शली का मतलब होता है पूरा नहीं, हाफ, सिंगल लाइन लगाकर ब्रैकेट क्लोज। अब हमारी गुड्स लॉस हुई थी 45 की, सो परचेजेस के आगे लिख लिया 45,000। इंश्योरेंस कंपनी हमारा लॉस 36 देने के लिए तैयार होगी, इसने एक्सेप्ट कर लिया है, सो इंश्योरेंस के आगे लिख लिया 36,000। जो बीच में डिफरेंस बचा 9,000 का, वो कंपनी का खुद का लॉस है, सो उसको हमने लिख देना लॉस बाय फायर। अगर चेक करें 36 प्लस 9 45, क्रेडिट में भी है 45, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। लास्ट ट्रांजेक्शन है 12th January की, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड
₹24,000. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल. फ्लड के कारण गुड्स का डिस्ट्रॉय हो गया ₹24,000 और इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम देने के लिए तैयार है, फुल क्लेम. सो थर्ड केस आ गया, जब कंपनी इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम देने के लिए रेडी है, फिर कंपनी को कभी लगेगा ही नहीं कि उसका लॉस हुआ, क्योंकि जितना लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी ने आपका पूरा लॉस गुड में कन्वर्ट कर दिया. अब इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को बियर करेगी, अब हमारे लिए वो लॉस नहीं रहा. सो डेबिट में हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगी है. इंश्योरेंस कंपनी लॉस को एक्सेप्ट करे या हमारा खुद का लॉस हो, गुड्स तो हमारी डिस्ट्रॉय होगी, हमारा स्टॉक तो कम हो जाएगा. सो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स कम हो जाती हैं, स्टॉक कम हो जाता है, एसेट रिड्यूस होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल. नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुली, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद. अमाउंट कैसे लिखेंगे, क्योंकि पूरा क्लेम देने के लिए तैयार है 24,000 का. सो डेबिट में लिख लिया 24,000, क्रेडिट में भी लिख लिया 24,000. सो इस क्वेश्चन में तीन ट्रांजेक्शन थी, तीनों हमने लिख ली. लास्ट में हम टोटल करते हैं. सो टोटल डेबिट में देखें 25,000 प्लस 36,000 प्लस 9,000 प्लस 24,000, इट कम्स टू बी 94,000. सिमिलरली क्रेडिट में देखें 25,000 प्लस 45,000 प्लस 24,000, 94,000. डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट. सो इस क्वेश्चन में हमने गुड्स लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस किया. तीन केसेस हैं, जब हमने इंश्योरेंस नहीं करवाई होती तो मतलब पूरा लॉस कंपनी को खुद बियर करना है. सेकंड केस, इंश्योरेंस करवाई है बट इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, पार्शल किया, थोड़ा लॉस इंश्योरेंस कंपनी, थोड़ा कंपनी, और गुड्स हमारी लॉस हो जाती है. और थर्ड केस था, गुड्स की इंश्योरेंस करवाई और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो हमारे लिए लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी ने उस लॉस के बदले में हमें पूरी अमाउंट पे कर देनी है. सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 19.